अरे भाई मोदी जी, कब बदलोगे अपनी ये आदत? तुमने अपनी बोट को, नाव को सवारियों से ओवरलोड कर रखा है। सवारी तो सवारी, तुमने मोटरसाइकिल से भी फुल कर रखा है अपनी इस बोट को। केजरीवाल, तुम्हें ज्यादा ओवरलोड लग रही है मेरी नाव ये बोट। तुम ऐसा करो, तुम उतर जाओ यहीं पे। अरे कैसी भसड़ बात करती हो मोदी जी, मैं यहाँ पर कहाँ उतर जाऊँ, बीच नदी में? अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुम बैठे ही क्यों नाव में? तुम्हें ओवरलोड लग रही है, तुम बैठते ही नहीं मेरी नाव में। एक तो इस नदी पे कोई पुल नहीं है, मैंने तुम लोगों के लिए ये सुविधा कर रखी है कि मैं इस गांव के यात्रियों को उस गांव में पहुंचाता हूं, उस गांव के यात्रियों को इस गांव में पहुंचाता हूं। दोनों गांवों के बीच में नदी बह रही है। अरे मोदी जी, मुझे एक बात बताओ, तुम नदी में नाव चला रहे हो सवारी ढोने के लिए, तो क्या फ्री में चला रहे हो? अरे हमसे पैसा लेती हो बेहिसाब तुम, एक सवारी के 500 रुपए, तो इतनी बेहिसाब नाव क्यों भरते हो? कहीं पलट उलट गई किसी दिन ये नाव तो क्या होगा? अरे लालू जी, पलटने उलटने की बातें मत करो, पलटने के नाम से तो मेरा दिल धक धक करने लगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। पता नहीं इस नदी पर पुल कब बनेगा, तब तक मोदी जी यूं ही कमाई करते रहेंगे जम के। पूरे दिन भर की कमाई इनकी कम से कम 10,000 की होती होगी। ये बात तो गलत है राहुल, अगर होती होगी कमाई तो मेहनत भी तो करते हैं मोदी जी। इतनी सवारी को बैठाकर इतनी भारी नाव चलाना भी तो बहुत मेहनत का काम है। अरे भाई योगी जी, बात तो यहीं पे आके रुक जाती है, ये अपनी नाव में इतनी ज्यादा सवारी बैठाते क्यों हैं? ज्यादा सवारी से नाव के डूबने का कितना खतरा रहता है, ये तो चलो पानी की बात है, अगर ये रोड पे इतनी सवारी चलाते होते तो इनका चालान कट जाता। अरे अखिलेश, क्या करेला खा के इतनी कड़वी बातें करती हूँ? तुमने नाम लिया वो देखो, कोई इंस्पेक्टर अपनी नाव लेके बड़े चले आ रहे हैं अपनी नाव की तरफ। रोको भाई रोको, अपनी नाव को रोको, रोको यहीं पे। जी इंस्पेक्टर जी, क्या बात है, आप यहाँ पर पानी में क्या कर रहे हैं? हमें खबर मिली है तुम अपनी नाव को ओवरलोड चलाते हो, तुम्हारे नाव की क्षमता है 10 लोग बैठाने की, तुम 50-50 लोग बैठाते हो अपनी नाव में, तुम्हारी नाव का चालान कटेगा। सर जी कैसी बात करती हो, मैंने मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, बस का तो चालान कटते सुना है, अब ये नाव का चालान कब से कटना चालू हो गया? भाई ये चालान कटना आज ही से चालू हुआ है, तुम्हारी नाव का, बोट का मैं ओवरलोड पे चालान काटता हूँ। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश नाले पे से हट जाओ, देखो पानी को मत रोको, नाले पे से हट जाओ। पहले मैं अपने खेत की सिंचाई करूंगा, उसके बाद तुम अपनी खेत की सिंचाई कर लेना। अरे मोदी जी एक बात बताओ, नहर से पानी मैं लेके आया इस नाले में और तुम सिंचाई पहले करने लगे अपने खेत की? मैं तुम्हारे खेत में बिल्कुल भी पानी नहीं जाने दूंगा, मैं नाले में लेट जाता हूँ। मोदी जी ये नाले को बंद करो, नाले को बंद करो, पहले मैं अपने खेत की सिंचाई करूंगा, तुम्हारे किसी की पहले सिंचाई नहीं होगी, ना अखिलेश तुम्हारी ना मोदी जी तुम्हारी। अरे नहर में पानी ऊपर से मैं लाया हूँ इस नाले में। अरे अखिलेश तुम थोड़ी लायो, झूठ बोल रहे हो। और ये लेट कर नाले में पानी को क्या रोक रहे हो, फावड़े से मट्टी से बंद कर दो नाले को। अरे अखिलेश उठो, नाले में से उठो, नाले में लेट कर पानी को बंद मत करो, पानी को आगे जाने दो नाले में। भाई मेरा आगे खेत बिल्कुल खंकड़ पड़ा है, सूखा, मुझे अपनी खेत की सिंचाई करना है। हटो, उठो नाले के ऊपर से, नाली में से हटो। अरे मोदी जी तुम अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो, पहले तुम सिंचाई क्यों कर रहे हो अपने खेत की? तुम्हारा तो नंबर लास्ट में आएगा। देखो योगी जी, मैं इस नाली में से तभी उठूंगा जब तुम सब लोग मेरे खेत की पहले सिंचाई करने दोगे, नहीं तो मैं किसी हाल में भी नहीं उठूंगा इस नाले में से। चलो अखिलेश कोई बात नहीं है, कभी ना कभी तो उठोगे ही तुम इस नाली से, ऐसा थोड़ी है यहीं पे पड़े रहोगे, जब ठंड लगेगी तो उठोगे। अरे इस नहर के पानी पे अकेले तुम्हारा हक थोड़ी है, सब लोग अपना खेत की सिंचाई करेंगे, तुमने तो नाली के पानी को पूरे के पूरा बंद कर दिया लेट के। राहुल जो मेरे खेत में पानी जा रहा है तुम अपने पैर से बंद क्यों कर रहे हो? अरे मैं तो बंद कर रहा हूँ, मेरी तरफ तो देख रहे हो, अपने पीछे देखो, अपना सब लोग इधर बातों में लगे हुए हैं, उधर लालू जी ने अपने खेत में नाले से पानी चला दिया। भाई सिंचाई तो मैं ही पहले करूंगा चाहे कुछ हो जाए। भाई इस नहर के पानी पे पहला हक मेरा है, क्योंकि नहर का पानी मेरे खेत के सबसे करीब पड़ता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं अपने खेत में पानी को चला रहा हूँ सिंचाई के लिए, तुम्हें रोकना है रोक सको तो रोक लो। नानू जी ये बातें तुम्हें अच्छी लग रही है, हम सब इधर बातों में लगे हुए थे, तुमने चुपके से अपने खेत में पानी चला दिया। चलो अखिलेश उड़ जाओ नाली में से, ऐसा करो सब लोग अपने अपने खेत में पानी चला लो, सब एक साथ सिंचाई करो। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।